जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समासत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखी सुसमा संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तु धर्मामृतम् यथोक्तम् परिउपासते श्रद्धानामत परमा भक्तास्ते दीव मे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो इस भाग अध्याय में भगवान ने बताया कि भगवान को कौन प्रिय है। हम सब भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। आप में कौन है भगवान का प्रिय नहीं बनना चाहता, वो हाथ खड़ा कर। कोई है कि मैं तो नहीं बनना चाहता भगवान का प्रिय? कौन है भगवान का प्रिय बनना चाहता है? कुछ डाउट हुए कि बनना तो चाहते हैं लेकिन नियम बड़े कठोर बता दिए भगवान ने। वो सही चीजें बता दी, कैसे द्वेष से मुक्त हो, कैसे किसी की निंदा न करें, तुल्य निंदा स्तुति मोनी, किसी की निंदा न करें, ये तो कैसे हो सकता है। हमारा तो होता है क्या, घर के बाहर शाम को चार पांच लोग मिलेंगे, पांच छह व्यक्ति की बुराई करेंगे, दो तीन माताएं मिलेंगी, लेकिन तीसरी माता की बुराई करेंगी, संसार नहीं तो चलता। घर परिवार संसार सब तो निंदा करने में लोग लगे हुए हैं, दूसरे के दोस्त देखने में लगे हुए हैं, द्वेष रखने में लगे हुए हैं, द्वेष रखते हैं, पड़ोसी द्वेष रखते हैं, घर में भाई भाई द्वेष रखता है, एक समाज दूसरे समाज से द्वेष रखता है, एक देश दूसरे देश से द्वेष रखता है, सारा द्वेष और झगड़े में ही सब कुछ लगे हुए हैं। ये भगवान बोल रहे हैं कि जो द्वेष नहीं रखता वो मुझे प्रिय है। तो इतनी सारी चीजें भगवान ने बता दी कि हमें द्वेष से रहित होना है, शोक से रहित होना है, चिंता से रहित होना है। इस संसार में रहते हैं चिंता ना हो, ऐसा हो सकता है? चिंता तो नहीं। तो भगवान इतनी सारी चीजें बता तो दी कि ऐसा नहीं करना है तो मेरे प्रिय बनोगे, ऐसा नहीं करना है तो मेरे प्रिय बनोगे, और इस सारी भगवत गीता बोल बाल करके द्वापर युग पूरा हुआ, भगवान अपने काम चले गए इतने सारे नियम कायदे बता कर। अब पालन करने वाले तो हम लोग, हम पढ़ के टेंशन में यार, इतने सारे गुण कहां से आएंगे हमारे अंदर, कैसे आएंगे इतने सारे गुण? अब हमें इतनी चिंता है तो ऐसा नहीं कि उनको चिंता नहीं है बोलने वाले को। बोलने वाले जो अपने धाम में गए, अपने धाम में जाकर के खुद चिंता कर रहे हैं। हमारे पिता है ना, हमें सब बच्चों की चिंता, खुद चिंता कर रहे हैं। हम बोल के तो बड़ी बड़ी बातें आ गई लोगों को कि द्वेष मत करो, शोक मत करो, हर्ष मत करो, लेकिन संभव तो नहीं है इतनी आसानी से कर पाना। इनको कोई उपाय तो मैंने दिया ही नहीं, मैं बोल करके सब आ गया, लेकिन ये गुण आएंगे कैसे, ये गुण कैसे प्रकट होंगे हमारे अंदर, उन गुण को प्रकट करवाने के लिए कोई क्या तरीका होगा? तो भगवान खुद दो लोग धाम में, जो भगवान भी एक व्यक्ति है, अंतर इतना है कि भगवान परम व्यक्ति है, वो परम पुरुष है, हम उनके अंश मात्र हैं। जैसे एक विशाल समुद्र है, उसका जल भी खारा होता है और उसकी एक बूंद का जल भी खारा होता है, लेकिन उस एक बूंद का अस्तित्व विशाल समुद्र के आगे कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार भगवान परम व्यक्ति है, हमारे अंदर सोचने की इतनी सी सीमा है, भगवान में अनंत है। भगवान विचार करते हैं कि जीवों को मैंने इतना बड़ा प्रवचन तो दे दिया गीता का, लेकिन पालन करने के लिए क्या उपाय किया जाए? तो भगवान स्वयं विचार करते हैं, और विचार करने के बाद भगवान सोचते हैं कि अन्य कोई व्यक्ति इनको उपाय देने में सक्षम नहीं है, ये उपाय मुझे ही देने जाना होगा, मुझे ही फिर जाना होगा, उन्हें ऐसा तरीका जाकर देना होगा
जिससे कि ये सारे गुण के अंदर अपने आप आ जाए। और कलयुग आने वाला है, कलयुग में न ध्यान करेंगे, न तप करेंगे, न ज्ञान अर्जित करेंगे, क्या करेंगे। तो वही श्री भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी के भाव को स्वीकार करके स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य के रूप में प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की, वही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाई नन्हे, स्वयं राधा और कृष्ण का मिला हुआ रूप है। उनका हृदय राधा रानी का है और उनका वर्ण राधा रानी का है और स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के भाव में आए। राधा रानी का भाव क्या है कि हमेशा कृष्ण की सेवा करना। कहां है कृष्ण, कहां मिलेंगे कृष्ण, कैसे मैं कृष्ण की सेवा करूं, इस भाव में वो आए हैं। और ये भाव उन्होंने दिया है हमें किस रूप में, चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप मात्र करे, इसका कीर्तन मात्र करे, उससे सारे गुण उसके अंदर अपने आप आ जाएंगे, अन्य कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। ऐसा तो नहीं चलो आज मैं द्वेष दूर करना है, बाहर से मेडिकल पे जाके दवाई लेके आ जाता हूँ, हमारे मेडिकल प्रभु जी ऐसी दवाई मिलती है क्या, द्वेष दूर हो जाए, खांसी दूर करने की दवाई मिल जाएगी, बुखार दूर करने की दवाई मिल जाएगी, क्या द्वेष दूर करने की दवाई मिल सकती है, क्या निंदा मैं किसी की न करूं ऐसी कोई दवाई है, जिससे मैं किसी की निंदा न करूं ऐसी कोई दवाई नहीं है। शरीर को रोगों को मिटाने के लिए दवाई उपलब्ध है, लेकिन हृदय के जो रोग है, मन के जो रोग है, वो केवल भगवान के नाम से ही दूर हो सकते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य रूपी जो बीमारियां हैं उनको दूर करने का सबसे सुंदर उपाय है हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ये हरि नाम है जो कलयुग में एकमात्र साधन है, जिसके जप और कीर्तन से जो है हम निश्चित रूप से जो है भगवान से संबंध बना सकते हैं। और